हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक शेयर के बारे में। देखिए दोस्तों, लक्ष्मी ऑर्गेनिक शेयर की बात करें तो केमिकल सेक्टर से बिलोंग करने वाली एक कंपनी है दोस्तों। लेकिन 2 दिन से इस कंपनी का जो शेयर का जो प्राइस है दोस्तों, काफ़ी नीचे यहाँ पर आ चुका है। ठीक है दोस्तों, किसी ने अगर इसके ऊपर के लेवल पर यहाँ पर एंट्री की होंगी दोस्तों, तो यहाँ पे काफ़ी डर रहे होंगे, काफ़ी पैनिक में होंगे कि ये शेयर यहाँ से और भी नीचे जा सकता है। देखिए दोस्तों, अगर ये शेयर का प्राइस और भी नीचे जाता है तो यहाँ पे आप लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों। कंपनी का फंडामेंटल देखेंगे दोस्तों, काफ़ी अच्छा कंपनी का फंडामेंटल, जिस सेक्टर से कंपनी बिलोंग कर रही है दोस्तों, केमिकल सेक्टर। केमिकल सेक्टर का देखेंगे दोस्तों, फ्यूचर में भी काफ़ी डिमांड यहाँ पर रह सकती है। हो सकता है कि फ्यूचर में काफ़ी अच्छी इसका डिमांड हो। कंपनी का जो केमिकल है दोस्तों, केमिकल के जो प्रोडक्ट है, फ्यूचर में भी यहाँ पे अच्छी खासी डिमांड में आपको दिख सकता है। केमिकल की बात करें, कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है दोस्तों फ्यूचर, इसलिए इसकी जो डिमांड है फ्यूचर में भी अच्छी खासी आपको दिखेगी। अगर आपने इसको ऊपर के लेवल पे इसको बाय किया है, तो क्यों आपको इसको नीचे के लेवल पे यहाँ पे सेल नहीं करना है। देखिए दोस्तों, कंपनी की अगर डेप्थ की बात करेंगे, लगभग कंपनी जीरो डेप्थ कंपनी है दोस्तों। कंपनी में कोई डेप्थ नहीं है, ऑलमोस्ट डेप्थ फ्री कंपनी है दोस्तों। इसी कारण देखिए दोस्तों, जिस भी कंपनी में डेप्थ नहीं रहता, जिस कंपनी में कर्जा नहीं रहता, वो कंपनी फ्यूचर में अच्छी यहाँ पे ग्रोथ करती हुई आपको दिख सकती है। जिस कंपनी में अगर डेप्थ नहीं रहता, कंपनी के पास अच्छा खासा यहाँ पे पैसा रहता है दोस्तों, तो कंपनी अपना पैसा अपनी कंपनी के फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए दोस्तों, कंपनी का जो ग्रोथ बढ़ाने के लिए यहाँ पे आपको यूज़ करते हुए दिखेंगे। उसका सीधा फायदा आपको मिलेगा दोस्तों, इससे कंपनी का जो शेयर का जो प्राइस है आपको बढ़ता हुआ दिखेंगे दोस्तों। कंपनी के प्रॉफिट बढ़ेंगे, कंपनी का सेल्स बढ़ेगा दोस्तों, कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा। सीधा सा इंपैक्ट शेयर के जो प्राइस है उसको यहाँ पे मिल सकता है। इसी कारण आपको ये फ्यूचर में अच्छा खासा यहाँ पे मुनाफा दे सकता है। कंपनी के 5 ईयर रिटर्न की देखेंगे दोस्तों, कंपनी के 5 ईयर जो सीजीआर रिटर्न यहाँ पे 36.77% के कंपनी ने 5 ईयर में सीजीआर रिटर्न से ग्रोथ की है। तो ये दो अच्छे पॉइंट है दोस्तों, इस कारण से भी आपको यहाँ पे शेयर में बने रहना है। किसी भी शेयर में आपको अगर एंट्री लेनी है, किसी भी शेयर को आपको बाय करना है, आपको अगर लगता है कि इस शेयर को बाय करना है, तो क्यों इस शेयर को बाय करना है? सबसे पहली बड़ी बात दोस्तों, सबसे पहली बड़ी बात यहाँ पे कंपनी की आपको प्रॉफिट देखने दोस्तों। कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट आपको बनाती हुई दिख रही है या फिर नहीं दिख रही? देखिए दोस्तों, 2018 से 2021 तक कंटिन्यूसली कंपनी यहाँ पे प्रॉफिट बनाती हुई आपको दिख सकती है। 2018 से 2021 तक कंटिन्यूस कंपनी का जो रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ मिलेगा, कंपनी के जो सेल्स है कंटिन्यूस आपको यहाँ पे बढ़ते हुए मिलेंगे। तो इसी कारण कंपनी का जो शेयर प्राइस है दोस्तों, ऊपर भागता हुआ आपको दिख रहा है दोस्तों। हो सकता है फ्यूचर में भी कंपनी के सेल्स अच्छे खासे यहाँ पे रह सकते हैं, कंपनी का फ्यूचर में भी रेवेन्यू बढ़ सकता है, कंपनी का जो प्रॉफिट है अगले ईयर भी अच्छा खासा यहाँ पे कंपनी पोस्ट करती हुई आपको दिख सकती है। तो इसी कारण कंपनी का जो शेयर प्राइस फ्यूचर में भी अच्छा खासा आपको बढ़ता हुआ दिख सकता है। अगर आपको इस कंपनी में फ्रेश एंट्री लेनी है, तो ये अच्छा मौका यहाँ पे साबित हो सकता है दोस्तों। डेफिनेटली अगर आप इसको बाय करते हो, तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए, काफ़ी अच्छा है, आप फ्यूचर में मुनाफा देती हो आपको दिखेंगी। देखिए दोस्तों, अगर इस शेयर का जो प्राइस है 508 के करीब अगर यहाँ पे आता है, यहाँ पे 20 डे मूविंग एवरेज का यहाँ पे सपोर्ट मिलता हुआ आपको दिख सकता है। अगर कंपनी का जो शेयर यहाँ पे सपोर्ट लेता है, तो यहाँ पे आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। अगर कंपनी का जो शेयर है 600 के ऊपर, 610 या 620 के ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट लेके ऊपर भागता हुआ आपको दिखता दोस्तों, यहाँ पे कंपनी का जो शेयर यहाँ से भी ऊपर आपको जाता हुआ दिखेगा। अगर यहाँ पे अगर 600 के ऊपर यहाँ पे बड़ी ग्रीन कैंडल अगर कंपनी यहाँ पे शेयर बनाता हुआ आपको दिख सकता है, तो यहाँ पे फ्यूचर में भी अच्छा खासा शेयर इसके ऊपर भी यहाँ से जा सकता है। तो ये दो लेवल का आपको यहाँ पे याद रखना है दोस्तों। अगर इन दोनों लेवल पे यहाँ पे शेयर का प्राइस आपको मिलता है, तो यहाँ पे डेफिनेटली इसको नीचे के लेवल पे इसको बाय कर सकते हैं, और ऊपर यहाँ से ऊपर के लेवल पे आपको ये शेयर जाता हुआ मिलेगा, तो यहाँ से डेफिनेटली इसको होल्ड करके आप अच्छा खासा फ्यूचर में भी अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट बनाते हुए आप दिखेंगे। देखिए दोस्तों, काफ़ी अच्छी कंपनी, काफ़ी अच्छे कंपनी के फंडामेंटल्स है दोस्तों, कंपनी काफ़ी अच्छे यहाँ पे प्रॉफिट पोस्ट करते हुए आपको दिख रही है। तो इसको फ्यूचर के लिए आपको होल्ड करना है। अगर आपके पास ये शेयर ऑलरेडी है, तो इसमें आप फ्रेश एंट्री यहाँ पे SIP के रूप में यहाँ पे कर सकते हैं। अगर शेयर और थोड़ा नीचे जाता है, तो आप इसको और इसमें आपको पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। डेफिनेटली अच्छा आपको मुनाफा कमा के फ्यूचर में भी दे सकती है। तो फिलहाल आज लक्ष्मी ऑर्गेनिक शेयर के बारे में इतना ही। थैंक यू सो मच।